उदयपुर के बड़गांव स्थित ट्रेजर टाउन के बाशिंदे शनिवार को अपनी पीड़ा लेकर अंबा माता थाना पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके बिल्डर ने उनकी कॉम्प्लेक्स की मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी है। ऐसे में अब यहां रहने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि बिल्डर अपनी मनमानी करते हुए 1 अप्रैल को लिफ्ट बंद कर दी, जिसके चलते यहाँ रहने वाले महिला और बुजुर्गों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। यही नहीं, अब तो पानी खत्म होने पर टंकियों में पानी भी नहीं चढ़ने दिया जाता। इसके अलावा अब तो बिजली भी काटने की धमकी दी जा रही है। इन सभी समस्याओं को लेकर जब उनके पास गए तो बिल्डर्स ने अभद्र भाषा का उपयोग किया। कॉम्प्लेक्स के रहवासियों ने बताया कि मेंटेनेंस भी जमा होने के बावजूद इस तरह की दादागिरी की जा रही है। 6 साल से सोसाइटी रजिस्टर्ड है और हम उससे हर बार ये कहते हैं कि अभी हम मेंटेनेंस हम खुद कर लेंगे। जब 40 लाख में हम मेंटेनेंस कर सकते हैं सोसाइटी का, तो हम उसको 84 लाख क्यों देवे? वो हमसे जबरन वसूली, मेंटेनेंस के नाम पे जबरन वसूली कर रहा है, इसीलिए हमारी आए दिन उससे लड़ाई रहती है। और लोग अक्सर लोग जो है सोसाइटी को मेंटेनेंस दे रहे हैं और सोसाइटी उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये एक आए दिन किसी न किसी तरीके की मुश्किलें पैदा करता है। अभी 1 अप्रैल से उसने 31 को उसने शाम को मेल करके कहता है कि हम 1 तारीख से लिफ्ट बंद कर देंगे, और 1 तारीख से लिफ्ट बंद कर दी, लिफ्ट रूम को लॉक कर दिया। अभी हमने लिफ्ट कंपनी से भी बात कर ली है, लेकिन बात वही है, लिफ्ट कंपनी कहती है कि आप ऊपर का लॉक खुलवाओगे तभी हम आपकी लिफ्ट चालू कर पाएंगे और आपका AMC हम ले पाएंगे। वो हमसे नाटक करता है कि साहब AMC का मेरा कॉन्टैक्ट है। मैंने कहा तू तेरा कॉन्टैक्ट कैंसिल कर, हम कर रहे हैं, हम सब कुछ मेंटेन करने को तैयार है। साफ़ सफाई वाले हमारे तौर पे पहले से ही चलते थे, फिर बीच में इसने हटा के बोला कि नहीं मैं करवा दूंगा आपकी साफ़ सफाई, तो हमने हमारे साफ़ सफाई वालों को बंद करवाया था, अब उसने साफ़ सफाई भी बंद करवा दी। 4 दिन से लोगों के घर में कचरा इकट्ठा हो रहा है, अब वो कचरा वापस कहाँ जाएगा इस कोरोना के काल में, जहाँ लोग ऑलरेडी इतने परेशान है, अब ये और ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है। मैं ट्रेजर टाउन विहार 642 से रहने वाली हूँ और हमारे खुद का सबका मकान लिया हुआ है, हम खुद घर मालिक है, लेकिन बिल्डर हमें आए दिन परेशान करता रहता है और 1 तारीख से हमारी लिफ्ट बंद कर दी है, आज से पानी बंद कर दिया है और 2 दिन बाद लाइट बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। हम बिल्डर से मिले, बात की, तो वो हमें अपशब्द यूज़ कर रहा है हमारे लिए, तो हम आज सब थाने आए हुए हैं, थानेदार से बात हुई है, थानेदार साहब अब क्या करते हैं आगे कार्रवाई, अब वो जबरन ही हमें परेशान कर रहा है, वसूली करना जा रहा है। और 84 लैक्स हमारे से हर साल लेता है, 40 लैक्स हम पे खर्च करता है और फिर भी हमें परेशान कर रहा है। लिफ्ट बंद है, पानी बंद है, लाइट भी, सफाई नहीं हो रही है, इस कोरोना के माहौल में भी गंदगी बहुत है, बच्चे नहीं खेल सकते हैं, बुज़ुर्ग चढ़े कैसे उतरे कैसे, बीमार भी बहुत है, बहुत से लोग हैं इसमें बीमार भी है। ये एक हमारे भाभी जी, उन्होंने हार्ट सर्जरी करवा रखी है और अभी भी उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो लिफ्ट के बिना चढ़ने उतरने में बहुत परेशान है। नहीं, हमारे सबका मेंटेनेंस फुल जमा है, क्लियर है, हम मेंटेनेंस जमा किया हुआ है, इसीलिए हम इतना आगे बात कर रहे हैं।